इतिहास की किताबों में आपने कई युद्ध को पढ़ा होगा जिनमें हजारों लोगों की जाने गई, देशों की आर्थिक स्थितियों को भी काफ़ी हानि हुआ। हालांकि ज़्यादातर युद्ध एक दूसरे की रियासतों को झगड़ने के लिए हुआ करते थे, जिसका असर सिर्फ उन दो रियासतों पर ही पड़ता था जिनके बीच युद्ध होता था। लेकिन इतिहास की किताबों में एक युद्ध ऐसा भी था जिसकी चपेट में पूरा विश्व आया था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध साल 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, जिसका असर आज तक कई देशों में साफ देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्तियों बुल्गारिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया के बीच हुआ है। पहले विश्व युद्ध में लगभग सभी प्रभावशाली देशों ने हिस्सा लिया, जिसके दुर्गामी परिणाम हुए। करीब 4 साल तक चले इस युद्ध में करोड़ों लोगों की जान चली गई तो आधी दुनिया हिंसा के चपेट में आ गई थी। तो आइए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, किन देशों के बीच लड़ा गया और इसके प्रमुख कारण, परिणाम और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बिस्मार्क की नीति भी है। दरअसल बिस्मार्क ने पहले फ्रांस को पराजित कर फ्रांस के एल्सास और लरिन जैसे प्रदेश पर जर्मनी का अधिकार स्थापित किया था, जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी के रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए थे और फ्रांस जर्मनी से अपनी हार का बदला लेना चाहता और अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करना चाहता था। वहीं बिस्मार्क ने फिर रूस, इटली और ऑस्ट्रेलिया से संधि कर खुद को बेहद मजबूत बना लिया, जिसके चलते फ्रांस जर्मनी के सामने कमज़ोर पड़ता चला गया और हर समय जर्मनी के हमले का डर बना रहा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक राष्ट्रीयता की उग्र भावना भी शामिल है। उस दौरान यूरोप के अलग अलग राज्यों ने अपने राष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए काम करने शुरू कर दिए थे। इस दौरान सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए मिलजुल कर काम किया। वहीं इसके चलते इटली और जर्मनी के बीच एकीकरण हो गया। वहीं इस दौरान तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा और तुर्की साम्राज्य समेत ऑस्ट्रिया हंगरी के कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। साथ ही यहां के कई क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोगों की अधिकता होने की वजह से स्लाव राष्ट्र की भी मांग होने लगी। रूस ने इस दौरान सर्वस्लाववाद और अखिल स्लाव आंदोलन को इसलिए बढ़ाया दिया क्योंकि उनका मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से आज़ाद होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएगा। वहीं इन आंदोलनों के चलते रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के रिश्तों में कड़वावट आ गई। इसके साथ ही इस दौरान पोलो, चेक और सर्ब जाति के लोगों के आज़ादी की मांग कर रहे थे, जिसके चलते यूरोपीय राष्ट्रों को रिश्तों में और अधिक कड़वावट होते चले गई। प्रथम विश्व युद्ध होने के प्रमुख कारणों में से एक मिलिट्रीज्म भी है। इसके तहत इस दौरान ज़्यादातर देशों में खुद को आधुनिक हथियारों से लैस और मजबूत बनने की कोशिश की। इसके तहत उस दौरान मशीन गन, टैंक, बंदूक लगे 3 बड़े जहाज आदि का आविष्कार किया गया। वही नहीं, कई देशों में इस दौरान अपने सैन्य बल को और अधिक मजबूत बनाया और युद्ध के लिए बलशाली सेना तैयार की। वहीं जर्मनी और ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति की वजह से उस दौरान सबसे अधिक आगे थे, जिनसे हर देश बराबरी करना चाहता था, लेकिन इसके होड़ करना और अन्य देशों के लिए वास्तव में काफ़ी मुश्किल था। वहीं मिलिट्री जिम की वजह से उस दौरान कुछ देश खुद को बेहद शक्तिशाली और अपने देश की सैन्य क्षमता को सर्वाधिक उत्कृष्ट मानने लगे और ये सोचने लगे कि उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। वहीं लोगों की इस धारणा की वजह से मिलिट्री का आकार बड़ा किया गया, अर्थात इसी वजह से मॉडर्न आर्मी के नए कंसेप्ट की शुरुआत की गई। 19वीं सदी के दौरान कई राष्ट्रों ने अपने अपने देश की स्थिति को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ संधि करनी शुरू कर दी।
वहीं इस दौरान कई संधि गुप्त रूप से भी हुई, यानी कि दो देशों के बीच क्या संधि हुई तीसरे देश को नहीं पता चलता था। इस दौरान फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई, जिसके दूरगामी परिणाम हुआ। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली के मध्य साल 1882 में संधि हुई। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच साल 1907 में ट्रिपल इंटेंट हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कुछ शर्तों के तहत संधि हुई। वहीं इसके बाद रूस के जड़ने के बाद ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में काफ़ी बड़े स्तर पर परिवर्तन देखा गया। इस विश्व युद्ध के बाद बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रूस की सीमाएं बदल गई। इस युद्ध के बाद इंग्लैंड में फिलिस्तीन को शामिल कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक विश्व राजनीति में यूरोप की काफ़ी मुख्य भूमिका थी, लेकिन इसके बाद विश्व राजनीति पर अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। पहले विश्व युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध के बीच ओ दिए थे। दरअसल इस दौरान हारे हुए राष्ट्रों के साथ बेहद कटु और अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से उन राष्ट्रों में दोबारा उग्र राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी। इस दौरान राष्ट्रों ने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला था। प्रथम विश्व युद्ध में जहां करोड़ों जाने गई और कई देशों को भारी नुकसान हुआ, वहीं इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वस्तुओं की कीमत काफ़ी अधिक बढ़ गई, जिसके चलते आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। इसके साथ ही लाखों लोगों व्यक्तियों की मौत हो जाने और अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाने की वजह से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हारे गए देशों की सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने के लिए निस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी ने हुआ था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत पर ब्रिटेन का शासन था, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा था। इस युद्ध के दौरान करीब 13 लाख भारतीयों ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई लड़ी, जिसमें से करीब 50,000 सैनिक शहीद भी हो गए। वहीं इस युद्ध का भारत पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा था। साल 1914 से 1918 तक चलने वाली प्रथम विश्व युद्ध में करीब 1 करोड़ लोगों की अपनी जान से हाथ धो लिया था। इसमें मित्र राष्ट्रों के करीब 60 लाख सैनिक और धुरी राष्ट्र के 40 लाख सैनिक शहीद हो गए थे। इस युद्ध का दौरान 8 साल का लड़का सबसे कम आयु का सैनिक था। प्रथम विश्व युद्ध के ज़्यादातर परिणाम दुखदायी थे, लेकिन भारत पर इसके कुछ प्रभाव सकारात्मक भी रहे। इस विश्व युद्ध के बाद न सिर्फ महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद को भी बढ़ाया मिला। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।